नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, माँ इस घर में मैंने आपको आपकी बहू की सेवा के लिए रखा है, ना कि मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए। क्या माँ, कितनी बार कहूँ मेरी कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो, लेकिन आप हो कि सुनती ही नहीं। रोहित 60 वर्षीय अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है, पर बेटा मैं तो आँखों में आंसू लिए रोहित की माँ कहती है, क्या माँ आपको पता भी है यह गुलदस्ता कितना महंगा था और आपने तोड़ दिया। अपनी माँ के बाहों को जोर से दबाते हुए रोहित कहता है, माफ़ कर दे बेटा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बोलते हुए माँ वहाँ से चली जाती हैं। रोहित, मैं तो अब भी बोलती हूँ माँ जी को कोई वृद्धाश्रम छोड़ाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। रोहित की पत्नी मीनाक्षी चिल्लाते हुए कहती है, अरे मेरी मीनाक्षी, मेरी जान, कुछ ही दिनों में तुम माँ बनने वाली हो और देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। मीनाक्षी को मनाते हुए रोहित कहता है, अच्छा ये संभालेंगी मेरे बच्चे को? अरे हाँ बाबा, कम से कम एक दाई का तो खर्च बच जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो पैसों की ही पड़ी रहती है, तुम्हें पता भी है इनके साथ पूरा दिन मैं कैसे काटती हूँ। मगरमच्छ की आंसू लिए मीनाक्षी कहती है, अरे मैं समझता हूँ, लेकिन तुम ही सोचो ना, घर का सारा काम भी तो माँ ही करती है ना। मीनाक्षी के बगल में बैठते हुए रोहित कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, सारा काम तुम्हारी माँ अकेले ही करती हैं और मैं कुछ नहीं करती? मीनाक्षी अपने जगह पर उठते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मीनाक्षी के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित कहता है, हाँ हाँ बस करो और दफ्तर जाओ तुम, वैसे भी घर में काम करने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा हैं। मीनाक्षी रोहित की माँ की तरफ देखते हुए कहती है, चलो ठीक है मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना भी और मेरे बच्चे का भी। रोहित बोलते हुए मीनाक्षी के माथे को चूमता है और गले लगाकर बाय बोलता है और दफ्तर के लिए निकल जाता है। पीछे के कमरे के दरवाजे पर खड़ी माँ अपने बेटे को निहार रही होती है। वो चाह कर भी अपने बेटे को गले से नहीं लगा सकती थी। आज इस माँ के आंखों से आंसू की नदियाँ बह रही थी, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या, ये तो रोज़ रोज़ का नाटक था। हर दिन उस माँ के साथ ऐसा ही होता था, हर एक पल वो घुट घुट कर जी रही थी। वहीं दरवाजे पर खड़ी खड़ी माँ अपने अतीत में कहीं खो जाती है। अरे वो बुढ़िया काम नहीं करेगी क्या, मीनाक्षी उस माँ पर चिल्लाते हुए कहती है। रोहित के दफ्तर जाते ही मीनाक्षी का रवैया ही बदल जाता है। रोहित के सामने तो माँ से ठीक ठाक से पेश आती है, लेकिन रोहित के जाते ही उस बेचारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती मानो जैसे कई जन्मों का बैर हो मीनाक्षी का उस माँ से, जिसका वो बदला ले रही हो। हाँ हाँ बेटा अभी आई, बोल क्या काम है। माँ एक छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए आती हैं। वैसे तो उस माँ का उतना अधिक भी उम्र नहीं था जिससे वो छड़ी लेकर चले, लेकिन मीनाक्षी और रोहित की मेहरबानी से बेचारी माँ का ये हाल था। वो ठीक से चल नहीं पाती थी और न ही उनसे ठीक से काम हो पाता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा हर संभव प्रयास करती थी जिससे उनके घर की महारानी मतलब मीनाक्षी खुश रहे। लेकिन वो कहाँ खुश रहने वाली, उसका बस चले तो बेचारी माँ का खून तक चूस ले चुड़ैल। सारा का सारा बर्तन पड़ा हुआ है, कब साफ करोगी उसे, मीनाक्षी माँ पर चिल्लाते हुए कहती है। पर बेटा मैं तो रात में ही बर्तन साफ कर दी थी। अच्छा तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, माँ को आँख दिखाते हुए मीनाक्षी कहती है। पहले तो कुछ देर माँ मीनाक्षी को एकटक देखती हैं और याद करने की कोशिश करती हैं कि बर्तन साफ की थी या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती हैं, नहीं नहीं मैं कर देती हूँ फिर से, तुम इतना गुस्सा मत हो, बच्चे पर असर पड़ेगा। आप होती कौन हो मेरे बच्चे की फिक्र करने वाली, एक बात हमेशा याद रखना, आप इस घर की बाई हो, बाई बस। और एक बाई का काम होता है सिर्फ घर के कामों से मतलब रखना, समझी आप। माँ की बाहों को झकझोर कर धक्का देते हुए मीनाक्षी कहती है। धक्का देने के कारण माँ गिर जाती है और उनकी बूढ़ी हड्डियों में काफ़ी चोट भी लगती है, लेकिन हालात कहें या फिर किस्मत से मजबूर, माँ आँखें बंद करके गहरी सांस लेती हैं और साहस कर उठ जाती हैं और घर के कामों में लग जाती हैं। खाना बना भी या नहीं, मीनाक्षी पुनः चीखते हुए कहती है। हाँ हाँ बेटा अभी लाई, किचन से खाना लाते हुए माँ बोलती हैं। लड़खड़ाते हुए माँ किसी तरह खाना लाकर अपनी बहू मीनाक्षी को देती हैं। मीनाक्षी खाना को बिना चखे देखकर ही बोलती है, ऐ बुढ़िया तेरा दिमाग खराब है क्या, कोई प्रेग्नेंट औरत को ऐसा सड़ा हुआ खाना देता है क्या? खाने को प्लेट को दूर फेंकते हुए मीनाक्षी कहती है।
पर बहू बड़े बुजुर्ग कहते हैं गर्भवती महिला को सादा और पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए, माँ अपनी बहू को समझाते हुए कहती है। लेकिन मीनाक्षी कहाँ समझने वाली, उसे तो हर दिन कोई ना कोई नया नाटक चाहिए ही था। हर दिन वो कोई ना कोई नया नाटक करती और उसी बहाने उस बेचारी माँ के साथ मारपीट किया करती थी और तो और कई दिनों तक खाना भी नहीं देती थी। उस माँ का हाल नरक की जिंदगी से भी बदतर बन चुका था, वो जिंदा होकर भी पल पल मर रही थी। बस बस बुढ़िया बंद कर अपना भाषण और सुन, मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं और प्लीज़ उनके सामने कोई नया नाटक मत करना, माँ की बात पूरी होने से पहले ही मीनाक्षी बोल पड़ती है। बेचारी माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं और झाड़ू लाकर टूटी हुई प्लेट को साफ करती हैं और जो खाना बिखरा हुआ था उसे अलग से उठाकर किचन में साइड में रख देती है। मीनाक्षी की सहेलियों के लिए नाश्ता बनाने लगती है। सुन बुढ़िया, नाश्ते में समोसे, हरी मिर्च की चटनी, कुछ चिप्स और तैयार कर देना। और हाँ सुन, वो लोग दोपहर का खाना यही खाएंगे तो दोपहर के खाने में चिकन और चावल बना देना। मीनाक्षी किचन में आते हुए अपनी फरमाइश सुनाती है। पर बेटा, पर वर क्या, मुझे आज कोई बहाना नहीं चाहिए, बस आधे घंटे के भीतर नाश्ता तैयार होना चाहिए, वो लोग कभी भी पहुंचने वाले होंगे। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है। अब मेरा मुंह क्यों देख रही हो, जाकर दरवाज़ा खोलो ना, मीनाक्षी चिल्लाते हुए बोलती है। हाँ जाती हूँ, बोलते हुए माँ दरवाज़ा खोलने चली जाती है। अरे काकी कैसी हो। दरवाज़ा खुलते ही उनमें से एक मीनाक्षी की दोस्त रेणु माँ के गले लगते हुए पूछती है। मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो, पीछे हटते हुए माँ बोलती हैं। बिल्कुल मस्त काकी, आज बहुत दिनों बाद आपके हाथ का बना खाना खाने का सौभाग्य मिला है हमें। माँ एक टक से रेणु को देखने लगती हैं और उनका दिल करता है कि कस के वो रेणु को फिर से गले लगा ले और अपनी सारी बातें, सारे दुख रेणु को बताए। लेकिन मीनाक्षी के डर से वो पीछे हट जाती हैं और रेणु के किसी भी बात का बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाती हैं। क्या यार, तू भी ना नौकरों के गले लग जाती है, उसके कपड़े देखे हैं तुमने कितने गंदे हैं, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही थी और उसके शरीर से कितनी गंध आ रही थी, छी। मीनाक्षी की दूसरी दोस्त नेहा नाक को इस भांति ढकते हुए बोलती है मानो जैसे कोई असहनीय दुर्गंध आ रही हो। कोई बात नहीं नेहा, इस बात का जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर, अभी नहीं, रेणु मन ही मन बोलती है। अरे वाह, तुम लोग आ गई, और वहाँ क्या कर रही हो, अंदर आओ, मीनाक्षी किचन से बाहर आते हुए कहती है। आहिस्ता मीनाक्षी, थोड़ा धीरे चल, तेरे बच्चे पर असर पड़ सकता है, रेणु मीनाक्षी से कहती है। नेहा, वो क्या कहावत है, हाँ याद आया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मीनाक्षी दांत पीसते हुए रेणु को टोंट मारती है। दरअसल रेणु के शादी के लगभग 8 वर्ष हो चुके थे लेकिन रेणु अभी तक माँ नहीं बन पाई थी, जिस कारण उसे ये सब झेलने को मिल रहा था। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, दिखाई नहीं देता क्या, मेहमान आए हैं, चाय पानी लाओ जाकर, मीनाक्षी चिल्लाते हुए माँ से कहती है। यार आजकल के ये नौकर चाकर भी ना जरा सा प्यार ना दे दो कि सिर पर चढ़ जाते हैं, नेहा मीनाक्षी को भड़काते हुए कहती है। माँ लड़खड़ाते हुए पानी लेकर आती हैं और उनका पैर एक टेबल से टकरा जाता है और उनके हाथ से पानी की ट्रे नीचे गिर जाती है और सारे ग्लास टूट जाते हैं। रेणु माँ को गिरने से किसी तरह संभाल लेती है। ये क्या किया तुमने, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा था, मीनाक्षी माँ पर चिल्लाते हुए कहती है। क्या यार मीनाक्षी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, काकी को अभी लग जाती और तुम्हें ग्लास की पड़ी है। अरे रेणु तुम बहुत भोली हो, इसका तो हर रोज़ का यही नाटक है और तुम खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रही हो, जल्दी से एक कांच साफ करो और हमारे लिए समोसे लेकर आओ, मीनाक्षी माँ को फटकार लगाते हुए कहती है। हाँ बेटा अभी लाती हूँ, बोलते हुए माँ किचन की तरफ चली जाती हैं और गर्मा गर्म समोसे लेकर आती हैं सभी के लिए, प्लेट में समोसा और चटनी परोस देती हैं, बारी बारी से सभी के हाथ में दे देती हैं, ऐसे ही एक के बाद एक नए नए व्यंजन की फरमाइश करते जाते हैं। बेचारी माँ सभी की फरमाइश को पूरा करती जाती हैं, पहले नाश्ता, फिर चाय, फिर खाना, फिर जूस, फिर चाय, फिर कुछ, और ऐसे ही करते करते देर शाम हो जाती है। अच्छा सुनो, अब ना रोहित के आने का वक्त हो गया है तो अब तुम सब जाओ, ठीक है। ठीक है यार, हम सब जा रहे हैं, लेकिन अगली पार्टी कब दोगी ये तो बता दो, नेहा अपने स्थान से उठते हुए कहती है। अगले संडे, पक्का ना। हाँ हाँ एकदम पक्का। अब सभी सहेलियाँ भरत और राम के तरह गले से लिपट जाती हैं, भले ही उनमें भरत और श्री राम के जितना प्यार ना हो लेकिन दिखावा करने में क्या जाता है।
अब उनका मेल मिलाप खत्म होता है, एक दूसरे को बाय करते हैं और सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर मीनाक्षी के सैतानी खोपड़ी में कोई खतरनाक चाल चल रही होती है। वो घड़ी की तरफ देखती है और जल्दी से दौड़कर किचन की तरफ जाती है। अरे माजी, आज के लिए सॉरी, आज आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, माफ़ करना माजी। वैसे आप बहुत थक गई होंगी ना, जाओ आप जाकर आराम करो, आँखों में झूठी आंसू लिए मीनाक्षी कहती है। पर बेटा, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, ये सब पहले ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आराम तो होते ही रहेगा। वैसे भी रोहित के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए खाना भी बनाना है ना, माँ मीनाक्षी की बात को काटते हुए कहती हैं। अरे नहीं, आप जाकर आराम करो, अभी उनके आने में टाइम है, आप जाओ आराम करो, माँ का हाथ पकड़ते हुए मीनाक्षी कहती है। बेचारी माँ मीनाक्षी के डर से आराम करने अपने रूम में चली तो जाती हैं, लेकिन आराम नहीं कर पाती हैं। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता है कि आखिर आज इतना प्यार उसे कैसे उन पर आया। कुछ ही देर बाद बाहर से रोने की आवाज़ आती है। माँ छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती हैं तो देखती हैं रोहित गुस्से से आग बबूला होकर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। रोहित को गुस्से में देखते ही माँ समझ गई, ज़रूर मीनाक्षी ने कोई नई चाल चल दी है और आज तो ये गुस्सा मुझ पर ही फूटने वाला है। ये सोचकर माँ धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे मोड़ लेती हैं। माँ, ये आप क्या की? आपको पता है ना मीनाक्षी माँ बनने वाली है, फिर भी, रोहित चिल्लाते हुए माँ के तरफ तेजी से बढ़ता है। पर बेटा हुआ क्या? डरते हुए माँ बोलती है। रोहित तेजी से माँ की तरफ बढ़ता है। रोहित को गुस्से में अपनी ओर बढ़ते देख माँ डर जाती हैं और अपने कदमों को पीछे खींच लेती हैं। अचानक उनका पैर किसी सख्त चीज़ से टकराता है और वो पीछे गिर जाती हैं। लेकिन ना तो थोड़ी भी दया रोहित को आती है और ना ही मीनाक्षी को। वैसे भी मीनाक्षी तो पत्थर दिल की थी, उसे कभी किसी पर दया नहीं आई थी। रोहित तेजी से आगे बढ़ता है और निर्दयी की भांति हाथों को झकझोर कर उठाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, माँ आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपको पता है ना मीनाक्षी प्रेग्नेंट है, फिर भी आप उससे काम करा रही हैं। आपको हम घर में रखे ही क्यों हैं? ताकि आप मीनाक्षी का थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन नहीं, आपसे वो भी नहीं होता। अरे मीनाक्षी का नौ सही तो मेरे बच्चे के बारे में सोचो माँ, एक सांस में ही बिना कुछ सोचे समझे रोहित बोल देता है। पर बेटा मैंने किया क्या है? क्या किया है? अरे माँ कुछ तो शर्म कर लो, बुढ़ी हो गई हो, कम से कम इस उम्र में तो झूठ मत बोलो। माँ एक टक से रोहित को देखने लगती है और शायद वो समझ जाती है कि ये सब किया कराया मीनाक्षी का ही है। लेकिन अब माँ करे भी तो क्या करे, क्योंकि रोहित तो माँ की बात सुनने से रहा। अब क्यों चुप हो गई? अब जानना चाहती हो ना कि क्या हुआ है? तो देखो, मीनाक्षी को आगे लाते हुए रोहित कहता है। मीनाक्षी के हाथ में पट्टी लगी होती है और आंखों में मोटे मोटे बड़े बड़े आंसू निकले, लेकिन असलियत में चेहरे के पीछे छिपी खुशी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। आज आपने मेरा पूरा ग्लास का सेट तोड़ा था ना, लो भुगतो, अब मेरा भी नाम मीनाक्षी है, मीनाक्षी। और ये मीनाक्षी किसी को नहीं छोड़ती। जब तक आपको वृद्धा आश्रम ना भिजवा दूँ ना, तब तक चैन से नहीं बैठने वाली मैं, मीनाक्षी मन ही मन सोचती है। माफ़ करना बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आराम करने आ गई। अरे वाह, आप आराम करने आ गई तो क्या मीनाक्षी काम करती? जरा सा दर्द ही हुआ था ना, शरीर से प्राण तो नहीं निकल रहे थे। याद रखना माँ, अगर आप दोबारा ऐसी कोई गलती की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोलते हुए रोहित मीनाक्षी का हाथ पकड़ता है और कमरे से बाहर आ जाता है। आज मीनाक्षी का दिल काफ़ी प्रसन्न था, और हो भी क्यों ना, मीनाक्षी अपना बदला जो ले ली थी, बस थोड़े से मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़े, झूठ मूठ की पट्टी लगानी पड़ी और नमक मिर्च लगाकर नाटक करना पड़ा। बस उतने में ही रोहित का दिल पिघल गया मीनाक्षी के लिए। बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ रोहित अपनी माँ को सुना दिया। हद है यार, पता नहीं माता रानी भी क्या लिखी थी बेचारी माँ की किस्मत में। एक तो माँ पागल है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना मीनाक्षी, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? अब मैं क्या की? अगर माँ तुमसे काम करने को बोली भी तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मैं आकर कर देता। आज अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाता, वैसे भी माँ हमसे बड़ी है, हमारी बुजुर्ग हैं, तो हमें तो उनकी बात माननी होगी ना। इसलिए मेरी जान, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, सुनो, अब अगर माँ कोई काम करने को बोले तो तुम मत करना, मैं आकर कर दूँगा। नहीं माँ कर लेंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना लगा दो, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ।
पर मैं क्या हुआ बोलो, मीनाक्षी हाथ आगे करते हुए दिखाती है, मेरे हाथ में तो पट्टी लगी है, नहीं तो मैं ज़रूर आपको अपने हाथों से खिलाती। अरे कोई बात नहीं, माँ है ना, उनसे बोलो खाना लगा देंगी। पर माँ तो कुछ नहीं बोलेंगी, माँ तुम जाकर बोलो उनसे। ठीक है, जाती हूँ। रोहित अपने बाथरूम की तरफ निकल जाता है तो वहीं मीनाक्षी माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है। मीनाक्षी मन ही मन काफ़ी खुश होती है, वो मुस्कुराते हुए धीरे से बुदबुदाती है, पागल इंसान को टमाटो सास और खून में कोई फ़र्क ही नहीं पता, और हंसती है। चलो आज का तो ड्रामा पूरा हुआ, अब कल के लिए कुछ नया सोचना होगा, लेकिन मेरे किसी भी कोई नाटक का असर तो इस बुढ़िया पर पड़ता ही नहीं है, जाने किस मिट्टी की बनी है। चलो कोई ना, मैं भी कम नहीं हूँ, इस बुढ़ी को घर से बाहर निकाल कर ही मानूंगी, मीनाक्षी अपने हाथ पर लगे सॉस को चखते हुए कहती है। ऐ बुढ़िया, खाना लगा दे आकर, बहुत भूख लगी है, मीनाक्षी माँ के कमरे के दरवाजे पर से बोलती है। बेटा मुझसे उठा नहीं जाएगा। अच्छा, लगता है आज के लिए इतना नाटक काफ़ी नहीं है, रुको अभी रोहित को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, जाने दे, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी से आओ आप, नहीं तो, मीनाक्षी उंगली दिखाते हुए कहती है। माँ के शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चलकर अपने रूम से भी बाहर आएं। फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके आती हैं और किचन में जाकर खाना परोसने के लिए चावल का पतीला उठाती हैं। पतीला काफ़ी हल्का प्रतीत होता है, माँ पतीला को नीचे रखती हैं और उस पर रखी थाली को जब हटाती हैं तो पता चलता है पतीला बिल्कुल खाली है। फिर माँ कढ़ाही में देखती हैं तो उसमें भी सब्जी नहीं होती और न ही दाल होती है, न रोटी। ये सब देखकर माँ काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि खाना कहाँ गया, और जब माँ बाहर खिड़की से झाँकती हैं तो पता चलता है सारा खाना नीचे ज़मीन पर फेंका हुआ है। माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ती है। फिर अचानक उन्हें याद आता है फ्रिज में कुछ हरी सब्जियां रखी हैं, वो बना देती हूँ जल्दी से। और माँ जैसे ही फ्रिज खोलती हैं तो पता चलता है फ्रिज में भी कोई सब्जी नहीं है। माँ सब कुछ समझ जाती हैं कि ये सब मीनाक्षी का किया धरा है। माँ वहीं ज़मीन पर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं, उनकी आँखों में साफ साफ दर्द दिख रहा था। आज माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि आज मीनाक्षी का नाटक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ ले गए होते, मेरा दर्द आपको नहीं दिखता क्या, बुला लो मुझे अपने पास, अब मैं और जीना नहीं चाहती, मेरा मन इस दुनिया से अब भर चुका है, माँ अपने पति यानी कि रोहित के पिता को याद करते हुए कहती है। क्या यार माँ, आपको खाना लाने में इतनी देर क्यों हो रही है, नहीं देना खाना तो साफ साफ बोल दो ना, फिर हम एक बार भी खाना नहीं मांगेंगे आपसे, रोहित बाहर खाने की टेबल पर से ही चिल्लाकर कह रहा है। जाओ यार मीनाक्षी, देख कर आओ क्या हुआ। हाँ आती हूँ देख कर। मीनाक्षी अपनी कुर्सी पर से उठती है और धीरे धीरे किचन की तरफ पढ़ने लगती है। साड़ी का एक किनारा उंगलियों में दबा कर ऐसे लहराते हुए जा रही हो मानो जैसे चुड़ैल आ रही हो, मतलब कि नागिन की चाल से, चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ मीनाक्षी किचन तक पहुँचती है। क्यों रे, अब कौन सा नया नाटक कर रही है, बाहर जाकर बोल दे खाना नहीं बना है और बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मीनाक्षी माँ के गालों को जोर से दबाते हुए कहती है। माँ दर्द से चीख पड़ती हैं, पर माँ की चीख निकलते ही मीनाक्षी उनके मुंह पर अपना हाथ रख देती है जिसके कारण ज़्यादा दूर तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। देख बुढ़िया, बाहर जाकर बोल दे घर में खाने को कुछ नहीं है, नहीं तो, माँ को धमकाते हुए मीनाक्षी कहती है। पर बेटा ऐसी हालत में बाहर का खाना नहीं खाते, माँ डरते हुए कहती हैं। मैंने तुझसे तेरी राय नहीं मांगी, मांगी क्या बोल, मांगी। पर बेटा नहीं ना, तो तू अपनी राय अपने पास रख, जितना मैंने कहा है उतना ही जाकर तू बोल रोहित से। माँ अपनी जगह से छड़ी के सहारे उठती हैं और लड़खड़ाते हुए रोहित की तरफ बढ़ती हैं। बेटा घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए। नहीं है मतलब, आप खाना नहीं बनाई थी। नहीं बेटा वो मैं, बस माँ बहुत हुआ, आपको पता है ना मीनाक्षी प्रेग्नेंट है, उसे वक्त पर खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप छोड़ो, कुछ कहना ही बेकार है आपको, बोलते हुए रोहित मीनाक्षी का हाथ पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। रोहित और मीनाक्षी किसी होटल में जाते हैं और भर पेट मस्त खाना खाते हैं। मीनाक्षी मन ही मन बहुत खुश होती है, आखिर खुश भी क्यों ना हो, आज माँ को इतनी डांट जो पड़ी थी, ये मीनाक्षी बहू के रूप में राक्षसी थी, भगवान ही जाने उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, सो माँ अपने बेटों को इतना मेहनत से पाल पोस कर बड़ा की, आज वही बेटा उस माँ के आंखों के आंसू का कारण बना। अरे ऐसी क्या पत्नी का प्यार जो माँ को ही भुला दे, भगवान जाने किस दर्द से वो माँ गुजर रही होगी।
रोहित मीनाक्षी की पेट पूजा खत्म हुई मतलब खाना खाकर वो लोग घर के लिए निकलते हैं। तभी रोहित कहता है, अरे सुनो। हाँ बोलिए। वो मैं बोल रहा था कि घर पर तो खाना कुछ है नहीं, हम माँ के लिए भी कुछ ले लेते हैं। पागल हो गए हो क्या आप, माँ ये खाना खाएंगी? हाँ तो क्या हुआ, आपका दिमाग सच में ख़राब है। माँ की उम्र हो चली है और वो ये तेल मसाला खाएंगी तो उनका तबीयत खराब नहीं होगा क्या? पर यार जो मन में आए वही करो आप, मुझे उससे क्या। वैसे भी आप मेरी एक बात मानते भी कहाँ हो। अच्छा मेरी माँ, माफ़ करो मुझे, नहीं ले जा रहा कुछ। चलो अब ठीक है, चलिए। रोहित मीनाक्षी घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं। रोहित दरवाजे की बेल बजाता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। रोहित दोबारा बेल बजाता है लेकिन इस बार भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। मीनाक्षी माँ ठीक तो होंगी ना यार, दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। रोहित थोड़ा भ्रमित होते हुए कहता है, नहीं रोहित कुछ नहीं हुआ होगा, लेट हो गया है ना हमें आने में, बस माँ सो गई होंगी और क्या। वैसे भी हमारे पास दूसरी चाबी तो है ही। हाँ क्या? हाँ फिर खोलो ना दरवाज़ा जल्दी से, मुझे बहुत नींद आ रही है। रोहित अपने जेब से चाबी निकालता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं लेकिन इस बात को रोहित नज़रअंदाज करते हुए सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अभी तक रोहित और बहू घर नहीं आए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उन्हें? हे माँ रक्षा करना उनकी। अचानक नींद से जागते ही माँ धीरे से बुदबुदाती है और अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है घर का दरवाज़ा खुला है। घर का दरवाज़ा खुला देख माँ बहुत डर जाती है, उन्हें लगता है कि शायद कोई चोर आया है। दरवाज़ा खुला है इसका मतलब कहीं कोई चोर तो नहीं आया? फिर रोहित और बहू, नहीं नहीं रोहित आया होता तो मुझसे मिलने ज़रूर आता, क्या करूँ? सोचते हुए माँ रोहित के कमरे की तरफ बढ़ती हैं। 10 कदम चलने पर रोहित के कमरे तक पहुँच जाती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि रोहित और बहू मीनाक्षी घर आ चुके हैं। बेचारी माँ के दिल को तसल्ली मिलती है कि उनकी बहू बेटे सुरक्षित घर में हैं। लेकिन एक बात का दुख भी होता है कि उनका बेटा घर आने के बाद भी उनसे मिलने नहीं आया। माँ की आँखें भर आती हैं लेकिन माँ अपने आंसुओं को आँखों में ही छिपा लेती हैं और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। वो अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और एक पतली सी चादर ओढ़ लेती हैं और सोने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये कमबख्त नींद ही नहीं आ रही थी। माँ करवट पर करवट बदल रही थी पर ये नींद का कोई अता पता नहीं। शायद उम्र के कारण या फिर कुछ देर बाद पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आती है। मीनाक्षी अंगड़ाई लेते हुए अपने रूम से बाहर आती है। अरे ये क्या, आज ये बुढ़िया कहीं दिख नहीं रही, मीनाक्षी उबासी लेते हुए कहती है। शायद किचन में होगी, चलकर देखती हूँ। पर ये बुढ़िया तो पहले पूजा करती थी, अगरबत्ती की तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। उसके रूम में ही जाकर देखती हूँ, धीरे से बुदबुदाते हुए मीनाक्षी माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है। मीनाक्षी धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर झांकती है। अरे वाह ये बुढ़िया तो अभी तक सो रही है, चल बेटा मीनाक्षी दिखा अपना जलवा। बुदबुदाते हुए मीनाक्षी किचन की तरफ बढ़ती है। किचन में जाकर सबसे पहले वो पूरे किचन में चारों तरफ कचरा फैलाती है और फिर कुछ आटा अपने चेहरे पर लगा लेती है, थोड़े बालों को बिखरा लेती है, मानो एक चुड़ैल का रूप खुद को दे देती है और रोहित के आने का इंतज़ार करती है। जैसे ही मीनाक्षी को पता चलता है कि रोहित आ रहा है वैसे ही मीनाक्षी काम करने लग जाती है, पर नींद में होने के कारण रोहित का ध्यान मीनाक्षी पर नहीं जाता है। मीनाक्षी गुस्से से झाड़ू को फेंक देती है, फिर रोहित का ध्यान मीनाक्षी की तरफ जाता है। अरे ये क्या हाल बना रखी हो अपना, रोहित आश्चर्य से पूछता है। क्या करूं, काम ही उतना है। काम उतना है मतलब, माँ कहाँ है? देखिए रोहित आप माँ से प्लीज़ कुछ मत कहना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है। प्लीज़ रोहित, माँ है कहाँ ये बताओ तुम। माँ अपने कमरे में सो रही हैं। क्या इतनी देर तक? तो क्या हुआ रोहित, बुढ़ी हैं थक गई होंगी ना, सोने दो उन्हें। वैसे भी तो मैं इस घर की नौकरानी हूँ ही, कर दूँगी सारे काम। अरे नहीं मीनाक्षी कैसी बात कर रही हो, तुम मेरी जान हो और तुम एक भी काम नहीं करोगी बस। पर कुछ नहीं, तुम बैठो मैं माँ को बुलाकर लाता हूँ। जी जैसा आप ठीक समझे। रोहित अपने माँ के कमरे की तरफ बढ़ता है। धीरे से रोहित कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अपने माँ के बिस्तर की तरफ बढ़ता है। माँ अभी तक आप सो रही हो? रोहित की आवाज़ सुनकर माँ चौंक जाती हैं और हड़बड़ा कर उठती हैं। बेटा वो रात के देर से सोई थी ना तो आँख नहीं खुली। देर से क्यों माँ, हम लोग आए थे तब तो आप सो रही थी। बेटा भूखे पेट नींद नहीं आती। भूखे पेट मतलब? कुछ नहीं बेटा, तुम चलो मैं बस 5 मिनट में आकर नाश्ता बना देती हूँ। जी माँ, बोलते हुए रोहित कमरे से बाहर चला जाता है।
बेचारी माँ जल्दी से हाथ मुंह धोती है और नाश्ता बनाने जाती है। फिर माँ को याद आता है कि घर में तो खाना बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी माँ किचन के फ्रिज खोल के देखती है तो पिछले दिन वाली हरी सब्जी, फल, दूध, सारी चीज़ें वैसे की वैसी पड़ी मिलती है। फिर माँ आटे का डब्बा खोलती है तो वो भी पूरा का पूरा भरा मिलता है। चावल भी वैसे ही डब्बे में भरा हुआ था। माँ आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि सारी चीज़ रातों रात कैसे आ गई, क्योंकि कल रात में सारे डब्बे खाली थे। फिर ऐसा क्या जादू हुआ जो सारे डब्बे भर गए। माँ एक पल के लिए सोचती है कि क्यों न मीनाक्षी से ही पूछ लें। सोचते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाती है। फिर अचानक माँ को याद आ जाता है कि भगवान ने कैसी बहू उन्हें दी है। यही सोचकर माँ दूसरे ही पल अपने कदमों को पीछे मोड़ लेती हैं और अपने कामों में लग जाती हैं। जल्दी से माँ नाश्ता बनाकर बाहर टेबल पर सजा देती हैं। रोहित नहा धोकर अपने कमरे में आता है और नाश्ते पर टूट जाता है। रोहित जल्दी से नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बेचारी माँ रोहित के जाने के बाद मीनाक्षी को झेलने के लिए तैयार हो जाती है। हर रोज मीनाक्षी के नए नए नखरे शायद ही कोई झेल पाए, पर माँ सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी। समय अपनी चाल से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया पर माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। दिन प्रतिदिन मीनाक्षी के नखरे और उसका ड्रामा और भी बढ़ता गया। अब समय आ गया था बच्चे के आने का। मीनाक्षी का 9वां महीना चल रहा था। बेटा अभी समय बहुत संभल कर रहने का है, तुम ज़्यादा सीढ़ी मत चढ़ा करो, बच्चे पर असर पड़ेगा। सीढ़ी पर चढ़ रही मीनाक्षी से माँ कहती है, अरे ए बुढ़िया, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए बुरा तो मत बोल, मीनाक्षी दांत पीसते हुए कहती है। पर बेटा मैं तो, मीनाक्षी सोचती है, यह बुढ़िया तो मेरे लिए सरदर्द हो गई है, मैं इस बुढ़िया का साया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। मीनाक्षी क्या चाल चलेगी अपनी बूढ़ी सास के साथ? क्या रोहित को मीनाक्षी की असलियत पता चल पाएगी? क्या मीनाक्षी का बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग कल दोपहर 1 बजे। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में कल दोपहर 1 बजे।